हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज वार्ड नंबर 40 में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए खुला दरबार लगाया। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वयं कैबिनेट मंत्री ने जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें हल भी कराया। मंत्री ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा को 8 वार्डों में बांट दिया गया है और हर वार्ड में खुले दरबार का आयोजन किया जाएगा ताकि जनता को सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े। इस खुले दरबार में करीब 100 समस्याएं सामने आई थी, जिनमें से ज्यादातर समस्याओं को मौके पर ही निपटाया गया था। और पहले एक शुरुआत है और लोगों की समस्याएं हैं कि सीवर की, पानी की, सफाई की, सड़क की, बिजली की, राशन कार्ड की, इस तरह की समस्या लोगों की हमारे सामने। और इस तरह 25 विभाग हैं जिनके 25 विभाग के लोगों ने अपना खुला दरबार रखा है और 25 विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और सबने लोगों ने जो समस्या उन सभी अधिकारियों ने उसे आने वाले एक सप्ताह के समय सब पूरा करने का। मौके पे भी समस्याएं निपटाई गई हैं? कुछ मौके पे निपटाई गई हैं, कुछ दिन में 2-4 दिन का समय लगेगा। कुछों को ये नहीं पता कहाँ VPN कार्ड बनना है, कहाँ आधार कार्ड बनना है। ये 40 नंबर वार्ड का पहला है और पूरी बल्लभगढ़ विधानसभा को 8 हिस्सों में डिवाइड करा है और 8 नंबर पहले एक वार्ड है जिसका ये खुला दरबार लगा है और मैं रहूँगा। अगर मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ का SDM उस खुले दरबार को हर वार्ड में एक एक बार लगाएगा। तो इसलिए पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा खुले दरबार के माध्यम से लोगों की समस्या को सुने। मंत्री जी, पटेल नगर की नगर सहीदात विधानसभा में आती हैं। नरेंद्र गुप्ता जी मेरे विधायक हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं और मेरी विधानसभा कोई झोंपड़ी भी नहीं है ना झुकती है, तो मेरी विधानसभा का ये मैटर नहीं और मुझे इसकी जानकारी। मंत्री जी, आपने खुला दरबार करीब 2 घंटे चला, 2 घंटे तक सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं, पर आपके उठने के बाद ही तुरंत अधिकारियों की जो कुर्सियाँ हैं वो खाली यहाँ पर मैं ही साथ हूँ।